आज की जो विजुअल बेसिक की प्रैक्टिकल की क्लास है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 यानी असाइनमेंट नंबर 18 करने वाले हैं। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है और इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड स्मॉलेस्ट अमंग गिवन थ्री नंबर्स। तीन नंबर दिए होंगे और आपको उसमें से सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर बना करके। तो यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर बनाना काफ़ी आसान है। तो इसमें जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है आपके पास दी हुई है कि स्मॉलेस्ट अमंग थ्री नंबर्स, तो निश्चित सी बात है तीन टेक्स्ट बॉक्स बनेंगे और चौथा टेक्स्ट बॉक्स जो होगा उसमें स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। तो चार टेक्स्ट बॉक्स, चार लेबल और एक कमांड बटन करके आप फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फॉर्म डिज़ाइन करना चालू करते हैं। विजुअल बेसिक ओपन करेंगे और अपना जो फॉर्म है इसमें हम फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि क्लियर दिखाई दे। मैंने फॉन्ट बड़ा कर लिया है। फॉर्म कोई भी डिज़ाइन बनाने के स्टार्टिंग में अगर फॉन्ट फॉन्ट आप बड़ा कर लेंगे तो वो क्या होता है सभी में अप्लाई हो जाता है, हर टेक्स्ट बॉक्स हर उसमें। तो मैं यहाँ पे चार टेक्स्ट बॉक्स बना रहा हूँ, टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, टेक्स्ट थ्री और टेक्स्ट फोर। चार इसलिए बनाया क्योंकि तीन में हम इनपुट लेंगे और चौथे में आउटपुट आएगा। चार लेबल बना लेते हैं यहाँ पर, लेबल वन, लेबल टू, लेबल थ्री एंड लेबल फोर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सेम वैसे ही जैसे वेरिएबल का नाम है वैसे ही लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो आपको पता है कि मैंने यहाँ पर लिखा ए वेरिएबल का नाम है, या एंटर आपसे फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से आप दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ और इसमें लिख देता हूँ फाइंड। वो फाइंड, ये बटन दबाते ही वो फाइंड करेगा। चारों टेक्स्ट बॉक्स को हम ब्लैंक कर देते हैं पहले। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टी ली, इसको सेलेक्ट करना है और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में ब्लैंक करना है, ब्लैंक करना है, ब्लैंक करना है, ब्लैंक करना है। फॉर्म डिज़ाइन रेडी है। अब आप यहाँ पर फॉर्म में करना क्या है, आप यहाँ पर देंगे एट, यहाँ पर देंगे टू और यहाँ देंगे नाइन। जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा तो आउटपुट में टू आएगा क्योंकि इन तीनों में सबसे छोटा नंबर टू है। आउटपुट में क्या आएगा, टू। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 22 तो आउटपुट में एट आएगा क्योंकि इन तीनों में सबसे छोटा नंबर क्या है, एट। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे जो छोटा नंबर है उसको हमें फाइंड आउट करना है, वो भी यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर बना करके। तो हम कोड में जाते हैं, हमको एक यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर कैसे बनाना है देखिए। प्रोसीजर में जाएंगे और एक प्रोसीजर बनाते हैं फाइंड नाम से। फाइंड नाम से एक यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर बनाएं और यहाँ पर बटन पे फाइंड को कॉल कर दीजिए। सिंपल सा है, फाइंड इसको कॉल करेगा और यहाँ पर हम कोड करते हैं। चलिए, कोड होगा डिम ए एज इंटीजर, डी एज इंटीजर, डिम सी एज इंटीजर। तीन वेरिएबल हैं, ए की वैल्यू जो है वो कहाँ से आएगी, वेल टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। सेम ऐसे ही बी की जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट। और सी की जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, टेक्स्ट थ्री डॉट टेक्स्ट। अब ए बी सी में हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इनको कैलकुलेट करना चालू करते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट है। तो इसको फाइंड आउट करने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर मान लीजिए कि तीन टीम है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, उनमें सबसे अच्छा प्ले अच्छी टीम कौन सी है, तो क्या होता है, पहले इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है। इन दोनों में जो जीतता है, मान लीजिए ये जीत गया, तो इसका और इसका मैच होता है। फिर इन दोनों में जो विनर होता है वो असली विनर होता है। तो वही चीज़ हमको करना है, पहले इन दोनों का मैच कराना है, फिर इन दोनों में से जो भी विनर होगा उन दोनों में से इसको मैच कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेस्टेड इफ का यूज़ करेंगे। नेस्टेड इफ जो है वो इस तरीके के स्ट्रक्चर को आसानी से फॉलो कर सकता है। चलिए करते हैं। मैं लिख रहा हूँ इफ़ हमको स्मॉलेस्ट ढूंढना है तो ए लेस देन बी, अगर ए बी के लेस देन होता है, ए बी से छोटा है, अगर ए और बी में मैच करा है और ए छोटा निकला तो ए का मैचिंग करेंगे सी से। क्लियर है, यहाँ पर क्या करेंगे, इफ ए लेस देन सी देन, अगर दोनों से छोटा है, बी से भी छोटा है, उससे भी छोटा है, तो टेक्स्ट फोर में क्या होगा, ए ही फाइनल छोटा माना जाएगा। और यहाँ पर हम लोग करते हैं एल्स,
से देखना है आपको, यहाँ पर हम नेस्टेड इफ बना रहे हैं। आपको पता है कि नेस्टेड इफ क्या होता है, मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर एक इफ ब्लॉक है ये, आपको पता है इफ ब्लॉक जो है दो हिस्से में टूटा रहता है, एक ट्रू होता है और एक फॉल्स ब्लॉक होता है जिसको एल्स ब्लॉक भी बोलते हैं। अगर इसके अंदर भी एक इफ हो जाए और इसके अंदर भी एक इफ हो जाए तो इसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। तो पहले ये दो टीम का मैच हुआ ए एंड बी का, ए जीत गया तो ए और सी का मैच हुआ, फिर ए जीत गया तो ए आंसर हो गया। अगर यहाँ पर सी जीत गया तो सी आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे इसको कर लेते हैं, यहाँ पर एल्स लिखते हैं हम लोग और लिखते हैं कि अगर ए हार गया यहाँ पर तो क्या होगा। टेक्स्ट फोर में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सी, क्योंकि ध्यान से देखिए कि ए बी से बड़ा छोटा है, ए बी से छोटा है और सी भी ए से छोटा है, तो सबसे छोटा सी ही होगा यहाँ पर। तो ये एक इफ ब्लॉक जो है वो दूसरे इफ के अंदर है, इसलिए इसको नेस्टेड इफ बोलते हैं, क्लियर है। अब सेम यहीं पर है, यहाँ एल्स में आ जाते हैं, अगर ए बी से छोटा नहीं है यानी बी छोटा है तो बी का मैच होगा यहाँ पर सी से। तो बी का मैच कराइए, इफ बी लेस देन सी देन अगर बी जीत जाता है तो टेक्स्ट फोर में क्या हो जाएगा, बी, अगर बी जीत जाता है तो क्या होगा यहाँ पर बी, और नहीं जीतता है तो क्या होगा, टेक्स्ट फोर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सी। यहाँ पर जो नेस्टेड इफ है आप इसको समझिए, नेस्टेड इफ को समझना है आपको। यहाँ पर एक कंप्लीट इफ है जिसमें दो हिस्से हैं और इफ एक इफ के अंदर एक और इफ है कंप्लीट, एक बड़े डिब्बे के अंदर छोटा डिब्बा, फिर इसके अंदर छोटा डिब्बा है। इस तरीके से हमने देखा कि दो अलग अलग यहाँ पर लोकेशन आपको दिख रही है। चलिए हम लोग रन करते हैं इसको और हमारा आंसर आने वाला है। यहाँ पे प्रोग्राम है, मैंने यहाँ पे दिया 8, यहाँ पे दिया 2, यहाँ पे दिया 9, तो यहाँ पर आंसर आया 2। अब मैं इसको 22 कर दूंगा तो आंसर आएगा 8। स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट हो रहा है इन तीनों में से। यहाँ पर जो भी आपने नंबर दिया वो यहाँ से आए, यहाँ से आए और यहाँ से आए, फिर इन तीनों में से जो छोटा नंबर था वो यहाँ आया। ठीक है, असाइनमेंट नंबर आपका ये था 20।